अच्छा, आज हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर क्यूरी स्ट्रिंग। अब देखो, एक क्यूरी स्ट्रिंग क्या होता है? आपको याद होगा हमने स्टेट मैनेजमेंट का टॉपिक कवर किया था, ठीक है। अब उसमें हमने सेशन ऑब्जेक्ट पढ़ा था, व्यू स्टेट पढ़ा था, एप्लीकेशन स्टेट पढ़ा था, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग हमारे पास एक टेक्निक है स्टेट मैनेजमेंट के अंदर ASP.NET में, ठीक है। तो क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू हम एक पेज का डेटा दूसरे पेज पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी टेक्निक का मतलब थोड़ा वे अलग है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे थ्योरी कवर करवाने से पहले मैं प्रैक्टिकल वर्क आपको समझाता हूँ, फिर हम थ्योरी के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे, ठीक है। मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस न्यू प्रोजेक्ट का हम नाम रखते हैं यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग डेमो, ठीक है। इसका नाम रखते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले मैं एक वेब फॉर्म ऐड करवा लेता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर और वेब फॉर्म ऐड करवा लेते हैं, ठीक है। ओके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले हमारे पास एक वेब फॉर्म वन का यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ से वेब फॉर्म वन से मैं डेटा सेंड करूंगा अपने वेब फॉर्म टू के ऊपर, ठीक है। तो मैं एक और वेब फॉर्म ऐड करवा लेता हूँ और इसको हम रहने देते हैं वेब फॉर्म टू, ठीक है। तो वेब फॉर्म वन पे सबसे पहले डिजाइनिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। टेबल लेते हैं, इंसर्ट टेबल, और यहाँ पे इसको फोर रोज कहते हैं, टू कॉलम्स, और इसकी सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं, और इसकी जो विड्थ है उसको हम 400 पिक्सल असाइन कर देते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं सबसे पहले फॉर एग्जांपल डेटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम कहते हैं स्टूडेंट नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ स्टूडेंट एज, ठीक है। और यहाँ पे मुझे चाहिए कुछ टेक बॉक्सेस, ठीक है, यहाँ पे आके, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी में मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता हूँ, ठीक है। और इसी को हम कॉपी करते हैं और स्टूडेंट नेम के लिए भी आ जाएगा ये, और स्टूडेंट एज के लिए भी आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक बटन मुझे चाहिए, ठीक है, जिस पे क्लिक करूंगा तो इसका डेटा, टेक्स्ट बॉक्सेस का डेटा सारा नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका टेक्स्ट का नाम मैं रखता हूँ सेंड, ठीक है। और इसकी जो आईडी है, ठीक है, आईडी सेट कर लेते हैं सेंड बटन, ठीक है। आईडी सेट कर लिया और अब जाके टेक्स्ट बॉक्सेस की जो आईडी है इनको भी सेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं कह लेता हूँ आईडी टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और स्टूडेंट नेम को हम कह देते हैं नेम टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट एज को हम कह देते हैं एज टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे आते हैं, इसी तरह वेब फॉर्म टू हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इसी तरह इसी डिव के अंदर हम एक टेबल ऐड करवाते हैं, ठीक है। इसके अंदर मुझे थ्री रोज चाहिए और टू कॉलम्स, और इसको भी सेल पैडिंग दे देते हैं और सेल स्पेसिंग, और यहाँ पे पिक्सल में इसको विड्थ स्पेसिफाई कर देते हैं 400, ठीक है। यहाँ पे आके ओके करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी उसी तरह मैं कह देता हूँ स्टूडेंट आईडी, ठीक है, और फिर यहाँ पे स्टूडेंट नेम, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम इसको कह देते हैं स्टूडेंट एज, ठीक है, चाहिए। अब जो मैं डेटा वेब फॉर्म वन से सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, वो मुझे चाहिए यहाँ पे वेब फॉर्म टू के जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है, यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सही है। और इनका नाम हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स टू है, यहाँ पे इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स थ्री है, और इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स फोर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता हूँ वेब फॉर्म वन में और अपने सेंड के बटन के क्लिक इवेंट जनरेट करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब ये सेंड के बटन पे हमने क्या काम करना है, देखो, हम एक यहाँ पे लाइन लिखते हैं दूसरे पेज में जाने के लिए जिसका नाम है रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। अब ये जो रीडायरेक्ट का मेथड ये क्या करता है, एक पेज से दूसरे पेज पे
डेटा ट्रांसफर करता है या एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हम ये रीडायरेक्ट का मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे हमें वेब फॉर्म 2 पे जाना है। ठीक है, उसकी एक्सटेंशन है .aspx। ठीक है, तो इस लाइन से अभी क्या होगा कि हम दूसरे पेज पे वेब फॉर्म 2 पे चले जाएंगे, लेकिन अब मुझे खाली वेब फॉर्म 2 पे नहीं जाना बल्कि वेब फॉर्म 1 का जो डेटा है, ठीक है, जो तीन टेक्स्ट बॉक्सेस है इनके अंदर का डेटा भी वेब फॉर्म 2 के ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा क्यूरी स्ट्रिंग का। मतलब अब मुझे क्योंकि मैं जितना भी लिख रहा हूँ स्ट्रिंग के अंदर लिख रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग लिखूंगा। ठीक है, तो अब मुझे डेटा भी साथ भेजना है वेब फॉर्म 2 पे, तो मैं यहाँ पे सेपरेट करने के लिए एक सिंबल यूज करता हूँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और उसके बाद अब सबसे पहले मुझे भेजनी है आईडी, तो मैं ये जो आईडी लिख रहा हूँ ये क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, और इस आईडी के वेरिएबल के अंदर डेटा कहाँ से आएगा वो मैं कॉन्कैटिनेट करके यहाँ पे बता दूंगा कि आईडी के टेक्स्ट बॉक्स का जो डेटा है वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, आईडी के क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो क्यूरी स्ट्रिंग है ना, ये जो मैं जनरेट कर रहा हूं, ये नजर कहाँ आएगी, ये हमें नजर आएगी यूआरएल पे। ठीक है, मतलब जहां पे हमारा वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ होता है, ठीक है, वहां पे ये क्यूरी स्ट्रिंग मुझे शो होगी। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहां पे आऊं और ये वेब फॉर्म 1 अपना रन करके आपको रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, ये वेब फॉर्म 1 आ गया हमारा। अब यहां पे मैं फॉर एग्जांपल आईडी देता हूं 1। ठीक है, तो अब आप देखो जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूंगा तो आप देखो, अब देखो हम यूआरएल में देखो कहां पे आ गए, वेब फॉर्म 2 पे आ गए। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने क्यूरी स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया था उसके अंदर मैंने डेटा कहां पे स्टोर करवाया था, आईडी के टेक्स्ट बॉक्स से। ठीक है, जो कि हमने क्या दिया था 1, और वो 1 कहां पे स्टोर हो गया था, इस आईडी के पास। तो देखो अब वेब फॉर्म 2 के ऊपर तो हम आ गए, तो अब मुझे क्या करना है, ये जो क्यूरी स्ट्रिंग में हमारा आईडी के टेक्स्ट बॉक्स से डेटा आ रहा था 1, इसको मुझे गेट करवाना है और डिस्प्ले करवाना है स्टूडेंट आईडी के टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, तो मैं वो गेट कहां से करवाऊंगा, अपनी इस क्यूरी स्ट्रिंग में से डेटा गेट करवा के इन फील्ड्स में डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे फॉर एग्जांपल अब आते हैं। ठीक है, अब देखो अभी मैंने सिर्फ आईडी के लिए काम किया है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आईडी को ही वेब फॉर्म 2 पे रिट्रीव करने के लिए हम अपने पेज लोड के इवेंट पे आते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो आईडी का टेक्स्ट बॉक्स था, ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है स्टूडेंट आईडी का, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स 2 जो है उसके टेक्स्ट के अंदर सेट क्या हो, तो देखो हमारे पास एक रिक्वेस्ट, ठीक है, उसके बाद इसका एक यहाँ पे है क्यूरी स्ट्रिंग, ठीक है, और इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं पास कर दूंगा 0। ठीक है, तो अब 0 क्या है, हमारे पास इंडेक्स नंबर है, क्योंकि मैंने जो पहला वेरिएबल बनाया था क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल वो 0 के इंडेक्स पे था, और उस क्यूरी स्ट्रिंग के वेरिएबल का क्या नाम था, हमारे पास आईडी। ठीक है, तो आईडी मैं क्यूरी स्ट्रिंग से गेट करके कहां पे डिस्प्ले करवा दूंगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 के टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं अभी यहां पे आऊं और वेब फॉर्म 1 को रन करूं तो देखें हम यहां पे डेटा रिट्रीव कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट आईडी यहाँ पे 1 सेंड करता हूँ। ठीक है, और सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो देखो जैसे ही सेंड पे क्लिक किया वेब फॉर्म 2 पे आ गया, और यूआरएल में हमारा डेटा भी स्टोर हो रहा था, और देखो वहीं से हमने गेट करके वेब फॉर्म 2 के अंदर जो हमने स्टूडेंट आईडी के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाया था टेक्स्ट बॉक्स 2, उसके अंदर हमने क्यूरी स्ट्रिंग से डेटा गेट करके कहां डिस्प्ले करवा दिया, स्टूडेंट आईडी के टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, अब इसी तरह मुझे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए, मतलब नेम और एज के लिए भी करवाना है। ठीक है, तो यहां पे आते हैं। ठीक है, तो अब देखो अब मुझे इसी क्यूरी स्ट्रिंग के साथ सिर्फ आईडी के टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू नहीं भेजनी बल्कि मुझे अब नेम और एज का भी भेजना है। तो यहां पे मैं दोबारा इसको कॉन्कैटिनेट करता हूं और एक स्ट्रिंग ओपन करता हूं, और यहां पे अब मैं एक सिंबल यूज करूंगा एम्परसेंड। ठीक है, मतलब आईडी के साथ अब मुझे एक और वेरिएबल बनाना है नेम के लिए, तो इन दोनों के वेरिएबल्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए क्यूरी स्ट्रिंग में मैं क्या यूज करूंगा, एम्परसेंड, और यहां पे मैं उसका नाम रखता हूं नेम, और इज इक्वल टू, अब इस वेरिएबल क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर डेटा कहां से आएगा, हमारे पास जो नेम टेक्स्ट बॉक्स था डॉट टेक्स्ट। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो कहां पे सेव हो जाएगी,
क्यूरी स्ट्रिंग के नेम वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी। फिर इसी तरह दोबारा यहाँ पे कॉन्केटिनेट करना है, और अब दोबारा मुझे यहाँ पे एम परसेंट लगा के अब मुझे एज गेट करनी है, तो उसके लिए वेरिएबल बनाता हूँ एज, और इसके अंदर दोबारा कॉन्केटिनेट करवा के मैं यहाँ पे कहता हूँ एज टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, मतलब ये एज के क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल में डेटा कहाँ से आएगा, एज के टेक्स्ट बॉक्स में से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मैं क्यूरी स्ट्रिंग किस तरह से जनरेट कर रहा हूँ कि वेब फॉर्म टू पे चला जाए। ठीक है, और उसके साथ साथ तीन क्यूरी स्ट्रिंग के वेरिएबल्स जिनके अंदर तीन टेक्स्ट बॉक्सेस का डेटा है वो भी वेब फॉर्म टू के ऊपर ले जाए। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करने से पहले हम यहाँ पे भी ये डेटा गेट करते हैं पेज लोड पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है, दो दफा और पेज करता हूँ, तो अब हमारे टेक्स्ट बॉक्स जो नेम के लिए था स्टूडेंट नेम वो 3 था, और एज के लिए टेक्स्ट बॉक्स 4। और यहाँ पे अब देखो पहला जो आईडी वेरिएबल बनाया वो 0 के इंडेक्स पे था, नेम का वेरिएबल जो बनाया वो 1 पे होगा, और एज का जो बनाया वो 2 पे होगा। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट पेज का सारा डेटा हम सेकेंड पेज पे हम डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल अब मैं सारा डेटा देता हूँ, आईडी चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आदिल, और यहाँ पे मैं एज देता हूँ 25। ठीक है, और अब मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही सेंड पे क्लिक करूंगा तो देखें हमारी ये क्यूरी स्ट्रिंग जनरेट हुई, और उसके अंदर क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल्स के थ्रू डेटा आ गया, और वो सारा डेटा मैं दूसरे पेज पे अपने टेक्स्ट बॉक्सेस में गेट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो गेट करवाने का एक ये तरीका भी है कि आप इंडेक्सेस यूज कर सकते हो। ठीक है, जो हमने वेब फॉर्म टू पे इंडेक्सेस यूज किए, ठीक है, आप यहाँ पे उनका डायरेक्ट नाम भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आऊँ आईडी, ठीक है, जो हमने पहले उसका नाम रखा था क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल का, फिर दूसरा नाम रखा था नेम, और फिर यहाँ पे तीसरा नाम रखा था एज। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट उनके क्यूरी स्ट्रिंग के वेरिएबल से डेटा गेट करवा के अपने टेक्स्ट बॉक्सेस में सेट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, तो यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल मैं आईडी 3 देता हूँ, नाम चेंज करता हूँ, और यहाँ पे, ठीक है, और अब सेंड पे क्लिक करता हूँ, सेंड पे क्लिक करूंगा तो देखो जैसा ही डेटा हमने भेजा था सेम वैसा ही हमें क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, मतलब ये दोनों तरीके आप इससे कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे जब हम इंडेक्स के थ्रू सेंड कर रहे थे डेटा, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे मतलब इंडेक्स के थ्रू जो हम डेटा गेट कर रहे थे, अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करके वापस इंडेक्स नंबर दूं, ठीक है, तो इसमें अभी एक मसला होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो मसला मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे अपना वेब फॉर्म रन करता हूं। ठीक है, यहां पे फॉर एग्जांपल मैं आईडी देता हूं, ठीक है, और अब यहां पे देखो स्टूडेंट नेम में, ठीक है, मैं आदिल देता हूं, और एम परसेंट का सिंबल यूज करके मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 25 देता हूं। ठीक है, तो देखो एम परसेंट का भी हमने क्या पढ़ा था कि एम परसेंट हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कॉन्केटिनेट करने के लिए, मर्ज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एम परसेंट। लेकिन अब वही एम परसेंट मैं कहां यूज कर रहा हूं, अपनी फॉर एग्जाम्पल इसमें जो हमारे पास ये जो वैल्यू है जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो अब इससे मसला क्या होगा देखना, अगर मैं यहाँ पे सेंड करता हूं तो आप रिजल्ट देखना, तो अब देखो वहां से जो मैंने रिजल्ट भेजा था तो आप क्यूरी स्ट्रिंग देखो किस तरह से जनरेट हो रही है। ठीक है, आदिल और एम परसेंट, मतलब अब वो क्या कर रहा है, वो इसको एक मतलब 25 को वो एक अलग वैल्यू समझ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एम परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, और एम परसेंट तो कॉन्केटिनेट करने के लिए यूज होता है, तभी यहाँ पे ये मसला कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस चीज को मुझे खत्म करना है कि भाई ये मसला मेरे पास यहाँ पे ना हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आता हूं, बैक जाता हूं, ठीक है, इसको हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब हम वेब फॉर्म वन से डेटा सेंड कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे आता हूं मैं, इसको फॉर एग्जाम्पल कॉपी करता हूं, इस एरिया को कमेंट करते हैं, और यहां पे अब देखो मैं जो डेटा सेंड करवाना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं चाह रहा हूं अगर उसमें वो परसेंटेज भी देता है ना, मतलब टेक्स्ट बॉक्सेस में
मतलब एम परसेंट देता है, ठीक है। अगर वो एम परसेंट का सिंबल टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज में यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो उसको एज अ वैल्यू ही ट्रीट करेगा, ठीक है, क्यूरी स्ट्रिंग का एम परसेंट ट्रीट नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मैं अब यहां पे आऊं, देखो मैं यहाँ पे एक हमारे पास सर्वर और इसका एक मेथड है जिसका नाम है यूआरएल एनकोड, ठीक है। तो मेरा आईडी का टेक्स्ट बॉक्स था, उसका टेक्स्ट मैं उसको किस में रख लूंगा, सर्वर के यूआरएल एनकोड फंक्शन के अंदर, ठीक है। फिर इसी तरह यहां पे इसको कॉपी करते हैं, मतलब जितने भी मेरे तीनों वेरिएबल्स हैं, तीनों वेरिएबल्स नहीं, जो तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इनको मैं इस मेथड के अंदर रख दूंगा, ठीक है। ठीक है, इनको इसको एनक्लोज कर देता हूं। तो अब मैं जो डेटा भेज रहा हूं वो एनकोड करके भेज रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आके मैं अगर इसको रन करता हूं तो आप रिजल्ट देख, ठीक है। अब यहां पे फॉर एग्जांपल मैं उसी तरह करता हूं, स्टूडेंट आईडी और यहां पे फॉर एग्जांपल आदिल और एम परसेंट के साइन से मैं यहां पे एज देता हूं, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पे इसका डेटा सेंड करूं, ठीक है, तो अब देखो जैसे मैंने डेटा सेंड किया था वैसे ही रिट्रीव हो रहा है, मतलब अब जो एम परसेंट का साइन मैंने दिया है वो उसको एज अ वैल्यू ही एनकोड कर रहा है, ठीक है, मतलब एज अ वैल्यू ही उसको रीड कर रहा है, वो क्यूरी स्ट्रिंग का डेटा इसको समझ मतलब कंसिडर नहीं कर रहा। तो अब आप एक चीज देखो, जब मैंने यहां पे आदिल लिखा था और उसके बाद जब मैंने एम परसेंट दिया तो एम परसेंट की जगह पे देखो क्या कॉन्कैटिनेट हो गया है, परसेंटेज 26, मतलब ये जो एनकोडिंग की है ये उसी मेथड ने की है, सर्वर के यूआरएल एनकोड के मेथड ने एनकोडिंग की है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इसको ये सिर्फ एज अ वैल्यू ही ट्रीट करेगा, और स्टूडेंट एज में चूंकि मैंने कोई वैल्यू वहां से सेंड नहीं की इसलिए यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर मैं बैक जाऊं और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एज भी दे दूं, ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे सेंड करूं तो देखो बिल्कुल सही डेटा हमारा क्या हो रहा है, रिट्रीव हो रहा है, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए एनकोड यूआरएल एनकोड मेथड भी यूज कर सकते हो, वरना हमारे पास एक और तरीका भी है। एक और तरीका क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कमेंट करूं, ठीक है, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूं, बल्कि हम ये ऊपर वाली लाइन कॉपी करते हैं, ठीक है। तो यहां पे अब देखो, अब ये जो आईडी का टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, यहां पे मैं कहता हूं हमारे पास इसका एक मेथड होता है जिसका नाम है रिप्लेस, मतलब आईडी का टेक्स्ट बॉक्स क्या रिप्लेस करेगा, देखो मतलब आईडी के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर एम परसेंट है, ठीक है, तो वो क्यूरी स्ट्रिंग में देखो रिप्लेस के फंक्शन में अगर एम परसेंट है तो वो इस एम परसेंट को रिप्लेस किससे करेगा, मैं यहां पे कह देता हूं कि वो रिप्लेस करेगा परसेंट 26 से, क्योंकि जब हम एनकोड कर रहे थे वो परसेंट 26 से ही क्या कर रहा था, एम परसेंट को क्या कर रहा था, रिप्लेस करवा रहा था, एनकोड करवा रहा था। तो ये काम अब मैं किसके थ्रू कर रहा हूं, रिप्लेस के मेथड के थ्रू कर रहा हूं, ठीक है। तो अब ये वाला काम मैं क्या कर दूंगा, हर टेक्स्ट बॉक्स के लिए कर लूंगा, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, यहां पे भी मैं इसको कहता हूं डॉट टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, ठीक है, और यहां पे आके मैं कह देता हूं एम परसेंट, ठीक है। अगर वो एम परसेंट टाइप करता है तो वो रिप्लेस किससे हो जाएगा, परसेंटेज 26 से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह एज के लिए करना है, यहां पे एज का जो टेक्स्ट बॉक्स है अगर उसके अंदर एम परसेंट आता है, ठीक है, अगर उसके अंदर एम परसेंट आता है तो वो रिप्लेस किससे हो जाएगा, कॉमा लगा के हम यहां पे बता देंगे, वो रिप्लेस हो जाएगा परसेंटेज 26 से, ठीक है। तो अगर यहां पे आके अब अगर मैं इसको रन करूं तो अब रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे आके अब मैं फॉर एग्जांपल 1 लिखता हूं और उसी तरह आदिल और यहाँ पे ये हम यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं टैब प्रेस करके यहाँ पे कोई एज दे देता हूँ और अब सेंड पे क्लिक करता हूँ तो आप रिजल्ट देख लो, ठीक है। यहाँ पे भी अब देख लो ऊपर क्यूरी स्ट्रिंग में, मतलब जो हमने एंड दिया था एंड की जगह क्या रिप्लेस हो गया, यहाँ पे परसेंट 26, ठीक है। परसेंट 26 वही आपके पास एनकोडिंग है जो कि एनकोड का मेथड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अब मैंने रिप्लेस का मेथड यूज करके ये वाला काम किया, ठीक है। तो ये दो तरीके आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्यूरी स्ट्रिंग का।
अब आते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर, ठीक है। तो यहां पे देखो, क्यूरी स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इनपुट, ठीक है, और ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स। मतलब हमारे पास ये जो हमने क्यूरी स्ट्रिंग जनरेट की थी, ठीक है, यहाँ पे जो पूरी क्यूरी स्ट्रिंग जनरेट की थी जो यूआरएल में डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, मतलब यूआरएल की मदद से हम क्या कर रहे हैं, क्यूरी स्ट्रिंग जनरेट करके दूसरे पेज पे डेटा गेट करवा रहे हैं। ये जो पूरा है, क्योंकि इसके अंदर मतलब कैरेक्टर स्ट्रिंग्स में, स्ट्रिंग्स के अंदर हम अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स डाल सकते हैं, कोई नंबर्स वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है, तो तभी यहाँ पे इसको क्या कहा जा रहा है, क्यूरी स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इनपुट और ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं, दैट सेंड रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। मतलब ये जो यूआरएल से हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ये किसकी, किसके थ्रू जाता है, वेब सर्वर के थ्रू जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, अ क्यूरी स्ट्रिंग इज हेल्पफुल व्हेन वी वांट टू ट्रांसफर अ वैल्यू फ्रॉम वन पेज टू अनदर, ठीक है। ये जो अभी हमने करके देखा, क्यूरी स्ट्रिंग की मदद से हमने क्या किया, एक पेज का डेटा हमने, एक पेज की वैल्यूज हमने दूसरे पेज पे ट्रांसफर की, ठीक है। व्हेन वी नीड टू पास कंटेंट बिटवीन द एचटीएमएल पेजेस और एएसपीएक्स वेब फॉर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ASP.NET, यू कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन इन रिसीविंग पेज, ठीक है। मतलब जब हमें HTML पेजेस या वेब फॉर्म्स के दरमियान डेटा ट्रांसफरिंग करनी हो, ठीक है, ASP.NET को यूज करते हुए, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, क्यूरी स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो, इट कंटेनिंग द इन द HTTP रिक्वेस्ट फॉर अ स्पेसिफिक URL, ठीक है। मतलब क्यूरी स्ट्रिंग जो हम बनाते हैं वो हमारे पास URL में कन्वर्ट होती है, ठीक है, मतलब URL के थ्रू वो सारा काम करती है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, दीज रिक्वेस्ट स्पेसिफाइड बाय द वैल्यूज फॉलोइंग द क्वेश्चन मार्क, ठीक है, सिंबल। मतलब क्वेश्चन मार्क के बाद जितना भी डेटा होता है वो हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग के जमरे में आता है, क्यूरी स्ट्रिंग कहलाता है, जिसके अंदर हम क्यूरी स्ट्रिंग के वेरिएबल्स बनाते हैं और उसके अंदर डेटा कहां से आएगा वो टेक्स्ट बॉक्सेस बताते हैं, ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आगे चलते हैं। अब देखो, स्टेट मैनेजमेंट का मैंने बताया था, ठीक है, जिसमें हमने व्यू स्टेट पढ़ा था, एप्लीकेशन स्टेट, सेशन स्टेट पढ़ा था, और आज हमने क्या पढ़ा है, क्यूरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो क्यूरी स्ट्रिंग कौन सी टाइप में आता है, क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट में आता है, ठीक है, सर्वर साइड में नहीं, क्योंकि स्टेट मैनेजमेंट की दो यहाँ पे टाइप्स होती है, ठीक है। अब देखो, क्यूरी स्ट्रिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अब ये क्यूरी स्ट्रिंग ही की लिमिटेशंस ही ऐसी हैं जो कि हमें डिफरेंशिएट करती हैं सेशन स्टेट से, व्यू स्टेट से या एप्लीकेशन स्टेट से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, क्यूरी स्ट्रिंग हैव अ लेंथ लिमिटेशन, बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन व्हेन यू हैव टू सेंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इट वोंट वर्क। मतलब अगर आपको बहुत सारा डेटा एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर करना है, ठीक है, तब आप क्यूरी स्ट्रिंग को यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तब आप फॉर एग्जांपल सेशन स्टेट यूज कर सकते हैं, लेकिन क्यूरी स्ट्रिंग नहीं, क्योंकि क्यूरी स्ट्रिंग बहुत लिमिटेड होता है, मतलब बहुत कम अमाउंट के साथ, मतलब 2 MB या 4 MB के डेटा तक आप क्या कर सकते हो, एक पेज से दूसरे पेज तक ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। ये इसकी क्या है, कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। फिर देखो, Another limitation is that query string data is directly visible to user, so this information can be falsified by malicious users and it leading to security problems। मतलब के अगर देखो भाई, हम एक पेज से डेटा दूसरे पेज पे सेंड करते हैं, तो वो जो डेटा सेंड हो रहा है वो हमें URL में नजर आता है ना, यही मसला है, ठीक है, यही सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं यूजर नेम या पासवर्ड सेंड कर रहा हूँ दूसरे पेज में, ठीक है, तो इस तरह पासवर्ड तो ऊपर नजर आएगा ना यहाँ पे, ठीक है, जो कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो कि कोई हमारा दूसरा यूजर उस कंटेंट को रीड करके हमारी वेबसाइट वगैरह को हैक कर सकता है या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो मतलब अगर सिक्योरिटी पर्पज नहीं है तब आप क्या यूज कर सकते हो, क्यूरी स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सिक्योरिटी पर्पस है, जिस तरह पासवर्ड हम सेंड करते हैं, तब आप क्यूरी स्ट्रिंग को अवॉइड करोगे, ठीक है, तब आप दूसरे टेक्निक्स स्टेट मैनेजमेंट की यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, यही ये वैसे क्यूरी स्ट्रिंग की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं आपको गूगल दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो गूगल है वो भी हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग को फॉलो करता है। किस तरह, अगर मैं यहाँ पे आऊं गूगल
आपको दिखाऊं, ठीक है? तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी वर्ड लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ आदिल, ठीक है, और अगर मैं सर्च करवाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सर्च करवाऊंगा तो आप देखो यहाँ पे, देखो अब देखो मैंने, हमारे पास एक सर्च का पेज है, उसके बाद एक क्लाइंट का क्या बन गया, हमारे पास एक क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया। फिर देखो आगे और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मतलब जो गूगल अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे देखो क्यू मतलब क्यूरी, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे सर्च में, आदिल, तो देखो क्यू का एक वेरिएबल बना और उसके अंदर क्या स्टोर हो गया, आदिल। फिर उसके साथ और बहुत सी टेक्निक्स हैं जो कि इसमें यूज हो रही हैं, ठीक है, मतलब क्यूरी स्ट्रिंग इस हवाले से बहुत आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप क्यूरी स्ट्रिंग यूज कब करोगे, जब आपको डेटा यूआरएल में पब्लिकली शो करवाना हो, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी में हम इसको यूज नहीं कर सकते अगर सिक्योरिटी पर्पज होगा तो, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्यूरी स्ट्रिंग ASP.NET, क्लियर है?